इस गाड़ी में जो प्रॉब्लम है, जितना भी इसका कूलिंग सिस्टम है, तो सारे कूलिंग सिस्टम में इसमें इंजन ऑयल आ चुका है और ये इसकी कूलेंट बोतल है, सो सारी कूलेंट ये गाड़ी रेनॉल्ट डस्टर है और जो गाड़ी है वो 1,00,000 किलोमीटर चल चुकी है और इसमें जो प्रॉब्लम है, जितना भी इसका रेडिएटर है कूलिंग सिस्टम, तो सारे कूलिंग सिस्टम में इसमें इंजन ऑयल आ रहा है। तो आज हम उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं और इस जगह इसका ये लीवर है जिससे हम इसका बोनट या हुड ओपन करेंगे। तो करते हैं, इसका एक बार चेक करवाते हैं। तो ये इसका जो बोनेट है ये ओपन कर लिया है। सो उस जगह इसका ऑयल कूलर लगेगा, लगाएं। और ये इसका इसकी कूलेंट बोतल है जिसमें जितना भी कूलेंट छोड़ के तो सारा इसमें जो इंजन ऑयल है वो आ चुका है। ये कूलेंट बोतल है, तो इसमें जितना भी कूलेंट था तो सब हट गया है। सो जितना भी था इसमें खाली इंजन ऑयल है। ये जो इसमें प्रॉब्लम है, जो इसका इंजन ऑयल कूलर होता है, जब वो डिफेक्ट हो जाता है, मीन्स जब उसकी गैलरिया क्रैक हो जाती है, सो सारा इंजन ऑयल वो सारा कूलिंग सिस्टम में आने लगता है। सो उसमें दो लाइनें चलती है, एक तो कूलेंट की और एक इंजन ऑयल की। सो जिस जगह ये ऑयल फिल्टर लग रहा है, सो इस जगह इसका ये ये पूरा इसमें कूलेंट की बोतल में इंजन ऑयल आ रहा है। सो जो इसकी प्रॉब्लम है, इसका ये इंजन ऑयल कूलर है जिससे क्या होता है, जितना भी इंजन ऑयल होता है उसे हीट होने नहीं देता, मतलब कूल होता रहता है इंजन ऑयल। सो वो उस जगह फिटिंग है, सो उस पार्ट्स को हम रिमूव करेंगे। तो ये जितनी भी इसकी ये फिटिंग है टोटली कम्प्लीट सब रिमूव करेंगे। सो सबसे पहले इसका बैटरी नेगेटिव वायर हम रिमूव करेंगे। तो उसके बाद अब जितनी भी ये फिटिंग है टोटल इस कितने हिस्से की, तो सारी कंप्लीट रिमूव कर देंगे, तभी वो इजीली रिमूव हो पाएगा, क्योंकि इसमें फिटिंग थोड़ी ज़्यादा होती है। तो करते हैं इसे रिमूव। तो ये इसकी इंजन ऑयल गेज है, जो इसमें इंजन ऑयल है वो एकदम लो लेवल पर आ चुका है। तो अभी ये इसका फुल होता है इस पॉइंट तक इसका इंजन ऑयल, ये अभी लेकिन एकदम लो लेवल तक है। तो बाय चांस अगर इसमें इंजन ऑयल बिल्कुल ख़त्म हो जाता तब गाड़ी का इंजन भी सीज हो सकता था। और जो प्रॉब्लम है इसका, जितने भी कूलिंग सिस्टम है, तो सारी कूलिंग सिस्टम में इसमें इंजन ऑयल आ रहा है। तो आज हम इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो ये इसका जो बम्पर है वो रिमूव कर लिया। सो अब वो ऑयल फिल्टर है, सो उस जगह इसका ऑयल कूलर है। अब ये जितने भी फिटिंग है सो ये रिमूव कर देंगे, जितने भी ये हॉस पाइपें हैं तो सारी कंप्लीट रिमूव कर देंगे। सो इसमें फिटिंग थोड़ी औरों से ज़्यादा होती है। सो उस जगह इसका ऑयल कूलर है, ऑयल फिल्टर तो दिख रहा है अभी, जितनी फिटिंग रिमूव होगी धीरे धीरे सो सारा वो ईजिली दिखने लगेगा। सो अभी ये जो इसका इंटरकूलर है सो ये रिमूव होगा। सो अब वो ईजिली वो पार्ट देख सकते हो, ये इसका ऑयल फिल्टर है। सो ये पूरी बॉडी इसमें अटैच है ऑयल कूलर में। सो ये ऑयल कूलर काम क्या होता है, जितना भी इंजन ऑयल है सो उसे ठंडा करना होता है इसका फंक्शन।
उसमें दो लाइनें होती हैं, एक इंजन ऑयल की और एक कूलेंट की। तो जब वो क्रैक हो जाती है तो उसमें इंजन ऑयल आने लगता है। तो ये इसका अब हम कूलेंट सारा रिमूव करेंगे। अब जितना भी कूलेंट है रेडिएटर में, जितने भी कूलिंग सिस्टम में, तो सारा कूलेंट इसका रिमूव हो जाएगा। सो इसमें कूलेंट कम है, इंजन ऑयल ज़्यादा भरा हुआ है पूरा गैलरियों में। तो अभी देख सकते हो ये धीरे धीरे सारा कलर एकदम चेंज हो जाएगा, इंजन ऑयल आ जाएगा पूरा। अब और ये इसका इंजन ऑयल है सारा, जो सारा इसका कूलिंग सिस्टम में आ चुका है। तो अब हमें इसका इंजन ऑयल कूलर रिमूव करने से पहले, तो इसका जितना भी कूलेंट है तो सारा पहले हमें रिमूव करना पड़ता है ताकि वो दूसरी गैलरियों में ना जाए। अब इसका जो हमने कूलेंट है सारा रिमूव कर लिया है, सो इसमें कूलेंट कम है, इंजन ऑयल ही इंजन ऑयल भरा हुआ है पूरा। ये पूरा इसका इंजन ऑयल है। ये इसमें ये देख सकते हो ये इतना इंजन ऑयल आ चुका है। अगर बाय चांस गाड़ी में बिल्कुल इंजन ऑयल ख़त्म हो जाता, तो अभी जो पहले था उसमें एक पॉइंट लो लेवल तक था इंजन ऑयल, अगर वो ख़त्म हो जाता तो गाड़ी का जो इंजन है वो पूरा सीज हो जाता। और तो उस कंडीशन में फिर वो ये इंजन इंजन पूरा कम्प्लीट चेंज होता। अभी ये इसमें इतना इंजन ऑयल है, तो अब इसमें इसका हम इंजन ऑयल कूलर रिमूव करके, सो उसमें हम इंजन ऑयल कूलर रिप्लेस करेंगे। उसके बाद हम जितनी भी इसकी कूलेंट गैलरी है या वाटर गैलरी है जितनी भी, तो सारी टोटली हम क्लीन करेंगे। उसके बाद हम इसमें कूलेंट है वो रिप्लेस कर देंगे सारा। तो ये देख सकते हो ये इंजन ऑयल आ रहा है। तो ये इसका इंजन ऑयल कूलर है। सो अब फिटिंग इसका जो ऑयल फिल्टर बॉडी है वो रिमूव हो चुकी है। सो अब इसका ऑयल कूलर ये रिमूव करेंगे। तो ये इसका इंजन ऑयल कूलर रिमूव हो चुका है और जो प्रॉब्लम है इसकी, ये इसी इंजन ऑयल कूलर में है। और ये जो प्रॉब्लम है इसकी, ये जो अंदर गैलरी देख रहे हो, ये जो गैलरी बन रही है, सो इस गैलरियों में डिफेक्ट आ जाता है। जब ये सड़ जाती है तो जितना भी ऑयल और कूलेंट है तो दोनों मिक्स होने लगता है। इसमें जो प्रॉब्लम आई है, जितनी भी इसकी ऑयल लाइन है, सो वो लाइन कहीं से क्रैक हो चुकी है, जिसकी वजह से जितना भी इसका कूलिंग सिस्टम है तो सब कूलिंग सिस्टम में इंजन ऑयल आ चुका है। तो आज हम इस पार्ट्स को रिप्लेस करने वाले हैं। और ये जो गाड़ी है रेनॉल्ट डस्टर है, अब इसका जो पार्ट्स है ये आ चुका है। तो ये इसका रेनॉल्ट है, ये पार्ट्स काफ़ी कॉस्टली होता है।
और ये इसका इंजन ऑयल कूलर है। तो इसमें जो प्रॉब्लम है, इसकी जो गैलरियां हैं, सो कोई जो गैलरी है वो सड़ चुकी है, सो उस वजह से जितना भी इंजन ऑयल है वो सारा इसके कूलिंग सिस्टम में आ रहा है। तो अब ये जो पार्ट्स है ये डिफेक्ट हो चुका है और इसमें आज हम ये इंजन ऑयल कूलर रिप्लेस करेंगे। ये इसका ओरिजिनल है रेनॉल्ट का, तो आज हम इस पार्ट्स को रिप्लेस करने वाले हैं। और इस पार्ट्स में क्या क्या मैचिंग कर देखनी पड़ती है, जैसे इसका ये सर्कुलर पार्ट्स है, ये चेक करना पड़ता है प्रॉपर है नहीं है। इसमें देखोगे ध्यान से तो ये जो पाइप है, ये होल ये छोटा रहेगा और ये जो है ये साइज में थोड़ा बड़ा रहेगा, तो दोनों में सेम है। ये पार्ट्स स्मॉल स्मॉल सर्कल है और जो ये पाइप है ये इसका थोड़ा इससे ज़्यादा डाया इसका, तो ये जो पार्ट्स है ये वाला वेस्ट है। अब हम इस पार्ट्स को आज रिप्लेस करेंगे। अब बाकी इस जगह भी फिटिंग इसकी प्रॉपर है जैसा कि देख सकते हो। तो आप करते हैं इस पार्ट्स को रिप्लेस। और ये जो गाड़ी है रेनॉल्ट डस्टर है और इसमें जो प्रॉब्लम है, इसमें जितना भी इसका इंजन ऑयल है वो सारा कूलिंग सिस्टम में आ रहा है। तो इसे रिप्लेस करने के बाद हम जितना भी इसका कूलिंग सिस्टम है तो सब सिस्टम को हम क्लीन करेंगे। और इसमें यही पार्ट्स कामयाब भी है, बाकी जो इम्पोर्टेड आते हैं उनमें चांस कम होता है। और जो ये पार्ट्स है ये इसका ओरिजिनल है रेनॉल्ट का, ये काफ़ी कॉस्टली भी होता है। तो अब करते हैं इस पार्ट्स को इंजन ऑयल कूलर को फिट। उससे पहले हम जितनी भी इसकी फिटिंग है सो सारी कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद इसे हम फिट कर देंगे। और जितनी भी इसकी फिटिंग हमने रिमूव करी थी तो सारी फिटिंग इसकी रिमूव कर देंगे। और इसमें होता है कि इसमें दो लाइनें चलती है, एक तो इंजन ऑयल की भी चलती है और साथ में इसमें कूलेंट की लाइन भी चलती है। सो ये दोनों जो पाइप हैं ये इसके कूलेंट पाइप है, एक इनलेट है एक आउटलेट है। तो इसमें जो कूलेंट सर्कुलेट होता है उससे जितना भी इंजन ऑयल है तो सारा ठंडा होता है। ये खाली डीजल गाड़ी में ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है इंजन ऑयल कूलर को। तो अब करते हैं इस पार्ट्स को फिट। मैचिंग भी इसकी प्रॉपर है, हर जितने भी इसमें होल हैं सो सारे इसके प्रॉपर हैं। तो अभी देख सकते हो इसमें जितना भी इंजन ऑयल का ये लाइन, ये कूलेंट की लाइन है, तो सब में इसमें इंजन ऑयल आ रखा है। तो ये सारा इसमें इंजन ऑयल है ये। तो ये जो इसकी गैलरिया देख सकते हो इस जगह से भी, और जो ऊपर साइड दिखाई थी ये गैलरिया, तो यही गैलरिया जो इंजन ऑयल की है वो क्रैक हो चुकी है। करते हैं इस पार्ट्स को पहले फिट। तो ये हमने इसका इंजन ऑयल कूलर रिप्लेस कर दिया है और अब जो बारी है हम जितनी भी इसकी फिटिंग है सो सारी हम कंप्लीट कर देंगे। तो उसके बाद जितनी भी इसकी कूलेंट गैलरी है तो सारी हम गैलरियों को क्लीन करेंगे, जितना भी इसमें इंजन ऑयल आया हुआ है तो सब रिमूव करके उसके बाद हम इसमें नया कूलेंट फिल कर देंगे टोटली सारा। तो करते हैं इसकी जितनी भी फिटिंग है सो सारी अब कंप्लीट करते हैं पहले। तो वो उसका जो ऑयल कूलर है ये जो ऑयल कूलर है ये रिप्लेस हो चुका है और जितनी भी फिटिंग थी सो सारी इसकी प्रॉपर हो चुकी है। और जितनी भी इसकी हॉस पाइप निकाली थी सो सारी कंप्लीट फिटिंग कर दी है। सो ये इसका ऑयल कूलर है जो रिप्लेस हो चुका है। अब जितनी भी इसकी फिटिंग है ये ऊपर की सो सारी बाकी कंप्लीट कर देंगे। और जो रेडिएटर में कूलेंट इंजन ऑयल आ जाता है तो ज़रूरी नहीं है ऑयल कूलर भी हो, सो और भी फॉल्ट हो सकता है जैसे सिलेंडर हेड में भी। सो अब इसकी करते हैं बाकी फिटिंग को, फिर इंजन करेंगे स्टार्ट। सो
सो ये पूरा इसका सिस्टम था जो रिप्लेस हो चुका है। जो बाकी जितनी फिटिंग खोली थी सारी सब कंप्लीट फिट कर दी है। जो पारी है इसमें जितना भी इंजन ऑयल है सो कूलेंट लाइन में सो सब रिमूव करेंगे। तो ये गाड़ी हो चुकी है फाइनली कंप्लीट और एक ये इसका कवर रह गया है सो उसे खोला था, रिमूव किया था सिलेंडर हेड कवर चेक करने के लिए। सो उसे इसमें ऑयल था सो वॉशिंग से पहले सब क्लीन हो गया है। जो अब बारी है इसका एक कवर फिट होगा सिलेंडर हेड कवर के ऊपर और जो इसका ये इस जगह इसका ऑयल कूलर है ये रिप्लेस हो चुका है। अब इसमें जितना भी ऑयल था वो भी रिमूव हो चुका है, थोड़ा बहुत रह गया है सो वो भी रिमूव करके सो इसमें हम कूलेंट फिल कर देंगे पूरा। और जो गाड़ी है रेनॉल्ट डस्टर है और ज़रूरी नहीं है जब बोतल में कूलेंट जब इंजन ऑयल आता है कि हीटर मतलब जो ऑयल कूलर है वही डिफेक्ट हो, सो हेड में भी फॉल्ट आ सकता है। तो हमें पता रहता है हम क्योंकि पहले चेक करते हैं तो उसके बाद वो फॉल्ट बताते हैं कि ये पार्ट ख़राब है, कहीं आप डायरेक्ट ही इसका ऑयल कूलर रिप्लेस करने लगे। तो ये गाड़ी हो चुकी है फाइनली कंप्लीट और जो इसकी प्रॉब्लम थी इंजन ऑयल आने की कूलेंट बोतल में तो वो प्रॉब्लम हो चुकी है सॉल्व। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। ये थी रेनॉल्ट डस्टर और इसमें जो प्रॉब्लम थी वो इंजन ऑयल कूलर की थी। ये ध्यान रखना हमेशा इंजन ऑयल कूलर नहीं होता डिफेक्ट, तो और भी पार्ट्स हो सकते हैं जिनकी वजह से जो कूलेंट लाइन है उसमें इंजन ऑयल आ सकता है, जैसे हेड में भी बाय चांस कभी डिफेक्ट हो तो भी आ सकता है। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। ये थी रेनॉल्ट डस्टर और इसमें जो प्रॉब्लम थी कूलेंट बोतल में इंजन ऑयल आने की तो वो प्रॉब्लम हो चुकी है सॉल्व। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ।